दोस्तों दुनिया भर में लगभग सभी देशों के पास अपनी अपनी आर्मी है, जिनके पास कमाल की ताकत और स्किल्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनसे भी खतरनाक लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें शायद ही आपने कहीं देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया भर की स्पेशल इलाइट फोर्सेस की, जो एक स्पेशली ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग को कोई भी मामूली इंसान पूरा नहीं कर सकता। यह फोर्सेस किसी भी देश की आर्मी से बहुत अलग होती है और इन्हें खास और स्पेशल मिशंस पर ही भेजा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ स्पेशल फोर्सेस दिखाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा तेज, फुर्तीले और खतरनाक है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। हंट्समैन कॉप्स। डेनमार्क की यह स्पेशल फोर्स 1785 में बनाई गई थी, जिसके बाद इसके कई नाम रखे गए, लेकिन 1961 में इसका नाम हंटर कॉप्स ऑफ जीलैंड रखा गया। इस फोर्स में सोल्जर्स को काफी ज्यादा ट्रेन करने के बाद सिलेक्ट किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि बहुत कम लोग इस ट्रेनिंग और टेस्ट को पूरा कर पाते हैं। 1961 से 2009 तक इस फोर्स में सिर्फ 385 सोल्जर्स भर्ती हुए हैं। कई सालों पहले बनी इस फोर्स को पहली बार 1995 में एक मिशन पर भेजा गया, जिसमें सिर्फ 6 सोल्जर्स ने बोस्निया और अफगानिस्तान में मौजूद आतंकियों को मार गिराया था, जिसके लिए इस फोर्स को 2004 में पुरस्कार भी दिया गया। इस फोर्स में भर्ती होने की ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है, जिसमें पहले 5 दिन कड़ी स्विमिंग और ओरिएंटरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें सिर्फ मैप और कंपास का इस्तेमाल करके एक जगह से कहीं दूसरी जगह पैदल जाना होता है। फिर चाहे रास्ते में नदी या खाई कुछ भी आ जाए, उन्हें उस दिए गए समय में उस जगह पहुंचना होता है। उसके बाद उन्हें मानसिक तौर पर ट्रेन किया जाता है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और किस तरह से सोचना चाहिए यह सिखाया जाता है, जिसके बाद इन सोल्जर्स को लगातार 2 हफ्तों तक पैराशूट की ट्रेनिंग दी जाती है। और इन सोल्जर्स ने कई बार अमेरिका के नेवी सील्स के साथ भी ट्रेनिंग की है। आज के समय में हंट्समैन कॉप्स में 150 सोल्जर्स है। इस कड़ी ट्रेनिंग की वजह से ही यह दुनिया की सबसे खतरनाक इलाइट फोर्स में शामिल है। गजब आती है इंडियन मार्कोस। इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है जो इंडियन मार्कोस के नाम से भी जानी जाती है। मार्कोस यह नाम मरीन कमांडोस का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि सबसे खतरनाक इलाइट फोर्सेस में से एक है। इंडियन मार्कोस को 1987 में स्पेशल टास्क के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फोर्स किसी भी जगह यानी पानी, जमीन या हवा में भी अपने किसी भी मिशन को पूरा करने की क्षमता रखती है। इन कमांडोज की संख्या आज के समय में 2000 के करीब है, लेकिन इसकी भी सही और सटीक जानकारी किसी को नहीं है। यहाँ तक कि इन कमांडोज के घर वालों को भी इनके मार्कोस होने का पता नहीं होता, और इनकी सिलेक्शन प्रोसेस इतनी कठिन होती है कि अप्लाई करने वालों में से सिर्फ 20% लोग ही सिलेक्ट हो जाते हैं। इस फोर्स में सिर्फ बेस्ट नेवी ऑफिसर्स ही सिलेक्ट होते हैं। कई सालों तक इन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें एंटी पायरेसी, एंटी हाईजैकिंग और आतंकियों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह कमांडोस पैराशूटिंग और डीप वाटर ड्राइविंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हर दूसरे दिन सुबह सुबह 20 किलोमीटर रनिंग करवाते हैं और हर रात 60 किलो वजन के साथ 20 किलोमीटर ट्रेकिंग करवाई जाती है, और हर हफ्ते 60 किलोमीटर के वजन के साथ 120 किलोमीटर चलाया जाता है। इस कठिन सी ट्रेनिंग के बाद ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक बन जाते हैं, जो दुश्मन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये किसी भी मिशन को पूरा करने के सक्षम होते हैं। 1999 में कारगिल वॉर में भी मार्कोस का काफी ज्यादा योगदान रहा है। ब्रिटिश SAS। यह ब्रिटिश की एक स्पेशल फोर्स है जिसका नाम स्पेशल एयर सर्विसेज यानी SAS है। ये फोर्स पूरी दुनिया में बहुत ही जांबाज और खतरनाक मानी जाती है। कई सारे देशों के फोर्सेस इस फोर्स के तरीके और टैक्टिक्स से अपने सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं। इस फोर्स को 1941 में एस्टेब्लिश किया गया था। यह काउंटर एक्शन, असॉल्ट और होस्टेजेस रेस्क्यू में बहुत ही सक्षम मानी गई है। इनके मिशंस और इन सोल्जर्स की इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लासिफाइड होती है, इसीलिए किसी को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक इस फोर्स में 400 से
600 सोल्जर्स होते हैं, जिनमें 4 स्क्वाड्रन्स होते हैं और हर एक स्क्वाड्रन में 65 सोल्जर्स होते हैं, जिसमें से इनको 4 के ग्रुप में सॉर्ट किया जाता है। इनमें हर एक सोल्जर अलग अलग तरह से स्किल्ड होता है, जिसमें कोई स्नाइपर, मेडिक या लीडर होता है, और ये किसी भी मिशन को बहुत ही तेज़ी से और सफाई से पूरा कर लेते हैं। इस स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करने के लिए पहले ब्रिटिश आर्मी में होना ज़रूरी है। इसके लिए हर साल 200 सोल्जर्स शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, जिन्हें कड़ी ट्रेनिंग और टेस्ट के बाद सिलेक्ट किया जाता है। इन्हें हर रोज़ 40 मील की दौड़, ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई और 90 मिनट की 3 किलोमीटर स्विमिंग करने जैसे कई हार्ड टेस्ट पास करने होते हैं। इन कड़े टेस्ट को उन 200 सोल्जर्स में से लगभग सिर्फ 40 से 45 लोग ही पार कर पाते हैं और SAS में सिलेक्ट हो जाते हैं। SAS में सिर्फ आदमियों की भर्ती की जाती थी, लेकिन 2018 में उनकी पॉलिसीज और रूल्स चेंज हुए, जिसके बाद एक औरत ने SAS में सिलेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया और उनके कड़े टेस्ट को पार करके वो आज भी SAS में सर्विस कर रही है, जिनकी पहचान सुरक्षा कारणवश गुप्त रखी गई है। JW ग्रॉम। सबसे इलाइट फोर्सेस का जब नाम आता है तो JW ग्रॉम का नाम भी उसके साथ लिया जाता है। यह पोलैंड की एक बहुत ही खतरनाक और ट्रेंड फोर्स की यूनिट है, जिन्हें सर्जियंस भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें मेडिकल ट्रेनिंग और सर्जिकल ऑपरेशंस में महारत हासिल है। ये अपने किसी भी मिशंस को सही और सटीक तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ये एक बहुत ही ट्रेंड यूनिट है, जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। इस फोर्स को 1990 में किया गया था, जिसके बाद इस फोर्स ने कई मिशंस कंप्लीट किए। 2002 में JW ग्रॉम ने 40 सोल्जर्स को एक सीक्रेट मिशन के लिए अफगानिस्तान में भेजा था, जिसके बाद वो 2003 में अमेरिका के नेवी सील्स के साथ मिलकर इराक से लड़े थे, जिसमें उनके सभी सोल्जर्स सही सलामत बिना किसी नुकसान के वापस आ गए थे। इस लड़ाई के लिए JW ग्रॉम ने नेवी सील्स के साथ कई हफ्तों तक कड़ी ट्रेनिंग की, जिसमें कई तरह के अलग अलग असॉल्ट मेथड प्रैक्टिस किए गए थे, जिसमें उनकी शारीरिक और मानसिकता की परीक्षा ली गई थी। इस फोर्स में जो सिलेक्ट नहीं होते उन्हें स्नाइपिंग, पैराशूटिंग या डिफेंस टीम में डालकर फिर से ट्रेन किया जाता है। और गाइस, अब आती है नेवी सील। नेवी सील दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स मानी जाती है। सील का मतलब होता है सी, एयर एंड लैंड, यानी कि किसी भी जगह अपना कोई भी मिशन पूरा कर लेना, यानी कि ये फोर्स किसी भी जगह अपना कोई भी मिशन पूरा कर सकती है। ये अमेरिका की एक स्पेशल फोर्स है, जिसे स्पेशल और खतरनाक मिशंस कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। जॉन कैनेडी, जो कि उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1962 में स्पेशल फोर्स को एस्टैब्लिश किया। यह फोर्स अपने हर मिशन को बहुत ही तेजी, फुर्ती और बहादुरी से पूरा करती है। इनका इस्तेमाल कई सारे वॉर्स में किया गया है, जैसे कि ईरान इराक वॉर, कोरियन वॉर और पर्शियन गल्फ वॉर। इस फोर्स में भर्ती होने से पहले एक बहुत ही कड़ा शारीरिक और मानसिक टेस्ट पास करना होता है, जिसमें 12 मिनट में 500 मीटर पानी में तैरना, 2 मिनट में 50 पुशअप्स करना और 10 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। और ये तो सिर्फ नेवी सील में भर्ती होने के लिए टेस्ट है। इसके बाद ट्रेनिंग और भी कठिन हो जाती है, जिसमें उन्हें पैराशूटिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और वेपन्स एंड एम्यूनिशन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही इन्हें हाथ पाँव बांध कर पानी में तैरना भी सिखाया जाता है। इनकी ये ट्रेनिंग 30 महीनों तक चलती है, जिसमें कई लोग हर साल गिव अप कर लेते हैं और सिर्फ 1% लोग ही इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। ब्रिटिश SAS की तरह नेवी सील्स में भी पहले सिर्फ आदमियों को भर्ती किया जाता था, लेकिन 2015 में रूल्स चेंज हुए और नेवी सील्स में औरतों को भर्ती करना भी शुरू कर दिया। 2017 में एक औरत ने सील में भर्ती होना चाहा, जिससे वो दुनिया की सबसे पहली फीमेल सील बन जाती, लेकिन इतनी कठिन ट्रेनिंग को देखकर उस औरत ने पहले हफ्ते में ही गिव अप कर दिया, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी। ये नेवी सील वही स्पेशल टीम है जिसने उसामा बिन लादेन को उसके घर में घुस के मार गिराया था, और शायद ही ऐसा कोई मिशन है जिसे यह फोर्स पूरा नहीं कर पाई हो। इस लिस्ट की सभी फोर्सेस बहुत ही बढ़िया है,
लेकिन आपको इन सब में से सबसे खतरनाक फोर्स कौन सी लगी या फिर आपकी फेवरेट फोर्स कौन सी है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।